फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी होली आपको और आपकी फैमिली को। सो आज है दुल्हंडी, कल था होलिका दहन, तो बस अभी काम वाम कर रही हूँ, बच्चे दोनों थे डिबू के, तो आप लोगों को आवाज़ आई रही होगी क्यों रोने लग रही है बाहर, तो बस अभी झाड़ू निकालती हूँ, फिर उसके बाद पोछा लगाती हूँ, फिर उसके बाद करते हैं खाने की तैयारी। और खाने में क्या क्या बन रहा है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बने रहना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी और शेयर कर देना, और जो चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी सी देर में। और गाइज ये मेरी डिबू ने पहनी अपनी हैप्पी होली की टी शर्ट, अरे ये सबसे पहले रेडी होती है और यहाँ बैठ के चाहत चाहत को लग रही है भूख, बोली मेरे को खीर खानी है, तो चाहत खा रही है खीर। चाहत अपनी टी शर्ट दिखाओ, क्या लिखा हुआ है ये, हैप्पी होली, खा लो अपनी खीर खा लो। सो गाइस इसको ना भूख लग रही थी, ये खीर मैंने कल बनाई थी, कल फास्ट था पूरे दिन का, तो शाम को बनाया था मैंने आलू की सब्जी पूरी और खीर, तो अभी चाहते वही खीर बच रही थी, तो इसको सुबह से हो रहा है मम्मी मेरे को खीर खानी है, तो वही गर्म करके इसको दिए क्योंकि इसको खीर इतनी ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और बाहर कहीं पे गाने चल रहे हैं तो डिबू कर रहे हैं यहाँ पे गाने सुन के डांस, अरे बाप रे। अब चाहत चल रही अपनी गन लेके, किसके मारेगा पानी, किसको भिगोएगा चाहत, ये कैसे होगा, ये बड़ी है ना थोड़ी, मैं आपको बैग वाली देती हूँ ऊपर से, ये भी ले जाओ ठीक है, ओके लेके जाओ जाओ, अभी आ जाओ, मैं आऊंगी बेटा, मैं खाना बना लूँ पहले फिर आती हूँ, आती ये रोम तड़ी। अरे चाहत लग गई अपनी पिचकारी से खेलने अकेली ऊपर, देख मेरा फोन गिल्ला हो गया। नीचे 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 कोई आए तो ठीक है, और ये चाहत डीवो को यहाँ पे पिचकारी चलानी सिखा रही है, भी कैसे पिचकारी चलानी है, और इससे खुद ही खेलने लग गई।
और ये बनाना है मैंने ब्रेड पकौड़े का बैटर जो कि उसके अंदर भरना है। आलू वगैरह इसमें मिक्स कर लिया मैंने, अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद बनाएंगे। और ये पकौड़े बनाने के लिए पालक कट कर लिया, थोड़ा सा मिक्स कर लिया था पालक, और ये जो ब्रेड बनाने हैं उसका बैटर हमने रखा हुआ है। तो गाइस अब मैं भरूंगी ब्रेड के अंदर उसका मटेरियल। तो आलू वगैरह मैंने ले लिया और फिर उसके अंदर मैंने पनीर भी कट कर लिया। तो अब ब्रेड बनाने के करते हैं तैयारी, तब तक मैं उनको फिल कर देती हूँ जल्दी से। गाइज ये हमने बना रखी चटनी, ये पालक की है और ये मीठी वाली बनाई थी। तो ये दोनों चटनी और ये आलू सुखाए थे पकौड़े के लिए, बिल्कुल गिले थे ना तो थोड़ा पानी इनका बिल्कुल सूख जाएगा, फिर उसके बाद इनको बनाऊंगी। और ये है चटनी, बड़ी टेस्टी टेस्टी लग रही है। मैंने टेस्ट करके तो देखी नहीं लेकिन शक्ल से तो ठीक ही लग रही है। और अब चाहत खा रही है अपने, क्या खा रहे हो? फ्रेंच फ्राइज। इसने अपने बोल के बनवाए कि मैं तो फ्रेंच फ्राइज खाऊंगी, अभी लग गया खाने और तौलिया बिछा के बैठी है ये बावली बेटी। सो गाइज सबने खा लिया खाना, अब फाइनली मैं लेके बैठी हूँ अपना, और मैं लेके तो इतना बैठी हूँ जैसे कि मैं सारा ही खा लूँगी। तो देखो क्या क्या बनाया, मैं आपको सिखाती हूँ। ये ब्रेड पकौड़े पनीर के, पालक के और प्याज के, प्याज के तो मेरे फेवरेट है, मेरे बड़े अच्छे लगते हैं। और ये कुछ वैसे फिंगर वाले, और ये चटनी, और ये चाय। पकोड़े तो चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं, पहले मैं सोच रही थी दही के साथ खाऊंगी, फिर सोचा नहीं यार चाय बनाती हूँ, चाय के साथ अच्छे लगेंगे। तो किसने क्या क्या बनाया कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? तो चलिए जल्दी से जल्दी खा के और आपको बताते कि कैसा बनता है। लाजवाब, एकदम बढ़िया, फटाफट से खा लेती हूँ। गाइस ये आ गई पाव भाजी, ये मेरी पार्टनर मेरे को देख के गई है, थोड़ा सा पाव मैंने खा लिया था और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन रही है भाई, तो अभी इसको रख देती हूँ, बाद में खाऊंगी। और गैस ये कुछ एक्स्ट्रा पकोड़े बना के रख दिया, अगर दिन में किसी को खाने होंगे तो खा लेंगे। ये ब्रेड वगैरह और ये पकोड़े मिक्स, तो अभी इनको अच्छे से दबा के रख देती हूँ ताकि ये ख़राब से ना हो जाए। वो ढीले ढीले से तो होंगे ही लेकिन ठीक है खाए जाएंगे। तो अभी इनको ढक के अच्छे से रख देती हूँ। और मेरी किचन का हाल देखो कितना बुरा हुआ है, इतने सारे बर्तन पड़े हैं, अभी इनको साफ करूँगी। पहले पीऊँगी अपनी चाय, चाय रखी और पूरी स्लैब इतनी गंदी हो गई है, ये देखो इतनी बुरी, गैस साफ करनी है पूरी, पूरे बर्तन वगैरह भी साफ करने हैं। और मैंने ऐसे बटर पेपर से इसको कवर कर दिया ऊपर से, अब इसको ढक देंगे। और गैस बर्तन बर्तन साफ करूँगी, अभी चाय पी के अब जल्दी से पहले अपनी चाय पी लेती हूँ बैठ के। मैंने पकौड़ों के साथ चाय थोड़ी कम ली थी, मैं सोचा उनका चल बाद में लूँगी, और जितना मैं रख के बैठी थी इतना तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ एक ब्रेड खाया था यार और दो तीन पकौड़े खाए हैं बस। और चाय फिर मैंने अपने ढक के रख दी थी क्योंकि और बनाने थे, तो फिर मैंने कहा बना के और फिर ही खाऊंगी। तो बस चाय पी के करती हूँ अपने बर्तन साफ। और गाइस किचन कर लिए मैंने अपनी पूरी साफ, बर्तन बर्तन सारे साफ कर लिए, अब हो गए एकदम चकाचक सी किचन। और अब बस झाड़ू निकाल दो एक बार इसमें से, ये चाह। और ये था एक छोटा सा आप लोगों के लिए होली का व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब इंजॉय करो, हैप्पी होली सबको, एंड बाय बाय।